हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी यूअर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। रेडिएशन के आज के इस लेक्चर में हम ग्रीन हाउस इफेक्ट को पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब हम इसको डिटेल में जानेंगे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। तो देखो, मान लो ये मेरी अर्थ है, ठीक है। अर्थ का एटमोस्फेयर भी होता है, हाइट ऑफ एटमोस्फेयर ऑफ अर्थ फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ ये 400 किलोमीटर होती है, ठीक है। ये क्या है? अर्थ का एटमोस्फेयर, ठीक है। और देखो, अर्थ के एटमोस्फेयर में कुछ गैसेस होती हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड होगी, CO2, मीथेन होगी, CH4, वाटर वेपर्स हो गए, ठीक है, एटसेट्रा। इनको ग्रीन हाउस गैसेस बोला जाता है, ठीक है। और देखो, अर्थ के एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर भी होती है, ये भी ध्यान रहे, ठीक है। तो मान लो ये मेरा सन है, सनलाइट आई फ्रॉम सन। तो देखो, सन की जो लाइट है ना, उसमें मेनली तीन रेडिएशन होती हैं। एक तो विजिबल और दूसरी इंफ्रारेड, ठीक है, और तीसरी अल्ट्रावायलेट। तो देखो, जो अल्ट्रावायलेट है वो ओजोन लेयर के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है। अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो ओजोन लेयर होती है ना, वो अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है, एब्जॉर्ब्ड बाय ओजोन लेयर, जो कि सही बात भी है, क्योंकि अल्ट्रा वायलेट रेज से हमें कैंसर होती है, ठीक है। तो विजिबल लाइट एंटर करेगी इनटू अर्थ एटमॉस्फेयर और इंफ्रारेड, ठीक है। तो देखो, विजिबल लाइट के बारे में पढ़ते हैं पहले। ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करेगी और फिर इसका रिफ्लेक्शन होगा फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है, और ये ऐसे आफ्टर रिफ्लेक्शन अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो देखो, अब इंफ्रारेड रेडिएशन के बारे में पढ़ते हैं। इंसिडेंट हुई ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, इंफ्रारेड रेडिएशन का कुछ पोर्शन अर्थ के सरफेस ने एब्जॉर्ब कर लिया और कुछ रिफ्लेक्ट कर लिया, ठीक है। तो देखो, अर्थ के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर्स एटसेट्रा होते हैं, इनको ग्रीन हाउस गैसेज बोलते हैं। ये बना दी मैंने, मान लो ग्रीन हाउस गैसेज के मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो देखो, ये जो मेरी इंफ्रारेड रेडिएशन है आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, अब इसको ग्रीन हाउस गैसेज वो एब्जॉर्ब कर लेंगे और फिर इसको रीएमिट भी करेंगी, ठीक है, टुवर्ड्स सरफेस ऑफ अर्थ। फिर इस इंफ्रारेड रेडिएशन का रिफ्लेक्शन होगा फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। यहां पे कुछ पोर्शन एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा इंफ्रारेड रेडिएशन का बाय द सरफेस ऑफ अर्थ, और कुछ रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और देखो, ये इंफ्रारेड रेडिएशन अब ग्रीन हाउस गैस के इस मॉलिक्यूल के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली गई और फिर रीएमिट भी कर दी गई टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो इंफ्रारेड रेडिएशन है ना, वो एस्केप नहीं हो रही फ्रॉम द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ। विजिबल लाइट तो आफ्टर रिफ्लेक्शन एस्केप होगी फ्रॉम द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ, लेकिन जो इंफ्रारेड है ना, वो ट्रैप होगी इनटू द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ, ठीक है। और इंफ्रारेड रेडिएशन किसका फील करवाती है? सेंसेशन ऑफ वार्मनेस, ये हमें पता है। मतलब एक तरह से इंफ्रारेड रेडिएशन अपने साथ हीट लेके चलती है, ये हम जानते हैं, ठीक है। इंफ्रारेड रेडिएशन फील्स सेंसेशन ऑफ वार्मनेस,
2s, ये हम जानते हैं। तो अब देखो यहां पे ये जो इंफ्रारेड रेडिएशन है ये ट्रैप होगी इनटू द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ, ठीक है, ड्यू टू ग्रीन हाउस गैसेज, इंफ्रारेड रेडिएशन ट्रैप्ड इनटू एटमॉस्फेयर, ठीक है, इसके कारण क्या होता है, अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है ना वो 19 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस बना रहता है, ठीक है। ये जो इंफ्रारेड रेडिएशन ट्रैप हुई है ना इनटू द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ, ये बाहर निकल ही नहीं पा रही। किसके कारण नहीं निकल पा रही, ग्रीन हाउस गैसेज के द्वारा, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेज इसको एब्जॉर्ब करती हैं फिर री एमिट कर देती हैं टूवर्ड्स दी सरफेस ऑफ अर्थ। तो ये जो इंफ्रारेड रेडिएशन ट्रैप हुई है इनटू एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ, इसके कारण क्या होता है, अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है ना वो 19 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस बना रहता है, मेंटेन रहता है, ठीक है। अगर देखो अगर ये ग्रीन हाउस गैसेज ना हो ना तो ये जो मेरी इंफ्रारेड रेडिएशन है ना ये भी एस्केप हो जाएगी फ्रॉम दी एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ, ठीक है। अगर ग्रीन हाउस गैसेज ना हो, इफ देर इज नो ग्रीन हाउस गैस, तो क्या होगा, इंफ्रारेड रेडिएशन भी एस्केप हो जाएगी फ्रॉम द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ। उससे क्या होगा, अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है ना वो -27 डिग्री सेल्सियस तक चला जाएगा। अर्थ का एवरेज टेम्परेचर -27 डिग्री सेल्सियस तक चला जाएगा, विच इज नॉट सुटेबल फॉर एस, ठीक है, विच इज नॉट सुटेबल फॉर ह्यूमन। तो इसीलिए ये जो ग्रीन हाउस गैसेज होते हैं ना अर्थ के एटमॉस्फेयर में, इनका रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। ये क्या करती है, अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो 19 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस से बनाए रखती है, ठीक है। तो अब देखो आजकल बहुत इंडस्ट्रीज हैं, टुडे बहुत सारी इंडस्ट्रीज है ना, देर इज सो मच इंडस्ट्रीज, उसके कारण क्या है, जो ग्रीन हाउस गैसेज है ना कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन एटसेट्रा, वो ग्रीन हाउस गैसेज बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं या बढ़ती जा रही हैं। ग्रीन हाउस गैसेज इंक्रीजेज डे बाय डे, तो उससे एक कमी आनी भी हो रही है, एक लॉस भी हो रहा है। ग्रीन हाउस गैसेज डे बाय डे बढ़ रही हैं क्योंकि इंडस्ट्रीज के कारण। उससे क्या होगा, अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है ना हर 10 साल में 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ता जा रहा है, अर्थ एवरेज टेम्परेचर इंक्रीजेज बाय 1 डिग्री सेल्सियस इन एवरी 10 ईयर्स, और इससे क्या हो रहा है, एक तरह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ठीक है। ये ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ती जा रही हैं ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, उससे हर 10 साल में अर्थ का एवरेज टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता जा रहा है, उससे हो रही है ग्लोबल वार्मिंग। तो जो पोलर आइस ट्रूप्स है ना वो मेल्ट होते जा रहे हैं, पोलर आइस ट्रूप्स आर मेल्टिंग, ठीक है, जो कि अच्छा नहीं है। तो एक तरह से ग्रीन हाउस गैसेज का होना जरूरी भी है, लेकिन वो आज के टाइम पे ड्यू टू इंडस्ट्रीज एक हद से ज्यादा बढ़ चुकी है ग्रीन हाउस गैसेज, उससे क्या ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, हर 10 साल में अर्थ का एवरेज टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ता जा रहा है, उससे क्या पोलर आइस ट्रूप्स है ना जो अर्थ के पोल पे जो आइस ट्रूप्स हैं बड़े बड़े वो लगातार मेल्ट होते जा रहे हैं, विच इज नॉट ए गुड साइन।
ठीक है। तो ग्रीन हाउस गैसेस का होना अच्छा है, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस के होने से क्या हो रहा है, ये जो मेरी इंफ्रारेड रेडिएशन है ना, ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में ट्रैप्ड हो रही है, जिससे अर्थ का एवरेज टेम्परेचर 19 से 27 डिग्री सेल्सियस बना रहता है। अगर ग्रीन हाउस गैस ना होना अर्थ के एटमोसफेयर में, तो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर कितना हो जाएगा, -27 डिग्री सेल्सियस, विच इज नॉट सुटेबल फॉर ह्यूमन, ठीक है। लेकिन आजकल ज्यादा इंडस्ट्रीज बढ़ती जा रही है ना, इंडस्ट्रीज ज्यादा होती जा रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा होता जा रहा है, उससे जो ये कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो काफी बढ़ती जा रही है डे बाय डे। इससे क्या होता है, हर 10 साल में अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है ना, 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ता जा रहा है। और उससे क्या होगा, जो पोलर आइस ट्रूप्स है ना, वो लगातार मेल्ट होते जा रहे हैं, उसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। तो ग्रीन हाउस गैसेस जो बढ़ती जा रही है आज के टाइम पे ड्यू टू इंडस्ट्रीज डे बाय डे, उससे क्या हो रहा है, अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है हर 10 साल में 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ता जा रहा है, इसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो पोलर आइस ट्रूप्स तो मेल्ट होते जाएंगे, विच इज नॉट ए गुड साइन। तो अब देखो एक और स्पेशल इंपॉर्टेंट चीज पढ़ते हैं, आपने देखा होगा क्लाउडी नाइट्स है ना, वो वार्मर होती हैं देन नॉर्मल नाइट्स। रात को अगर मान लो क्लाउड्स हों ऊपर, तो क्लाउडी नाइट्स आर वार्मर देन नॉर्मल नाइट्स। मतलब एक तो नाइट विदाउट क्लाउड हो, उसके कंपेयर करके देखना, एक नाइट हो क्लाउडी नाइट हो, तो क्लाउडी नाइट से कंपेरेटिवली वार्मर मिलेगी, ठीक है, एज कंपेयर टू नाइट विदाउट क्लाउड, ठीक है। उसके पीछे का रीजन क्या है, तो देखो मान लो यहां पे क्लाउड है, क्लाउडी नाइट है मान लो, ठीक है। तो क्या होगा, इंफ्रारेड रेडिएशन यहां पे इंसिडेंट होगी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है, और उसका कुछ पार्ट या कुछ पोर्शन अर्थ के सरफेस के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, और कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये जो रिफ्लेक्टेड पार्ट है ना इंफ्रारेड रेडिएशन का, वो क्लाउड के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, और फिर उसको क्लाउड के द्वारा ही रीएमिट कर दिया जाएगा टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ। तो एक तरह से यहां पे भी ड्यू टू क्लाउड्स ये जो मेरी इंफ्रारेड रेडिएशन है ना, वो ट्रैप हो जाएगी इनटू द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ, वो एस्केप नहीं कर पाएगी, इसलिए क्लाउडी नाइट्स क्या होती है, वार्मर, ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट में हम एक और इंपॉर्टेंट चीज को जानेंगे अब हम, तो देखो जहां पे टेम्परेचर कम होता है कोल्ड प्लेसेस पे, अगर वहां पे आप कोई ऐसे प्लांट को ग्रो करना चाहो जिसको हायर टेम्परेचर की जरूरत होती है, तो हम क्या करते हैं, ग्लास का एक ऐसा हाउस बना देते हैं, ठीक है, ग्लास का एक ऐसा हाउस बना देते हैं कहां पे, जहां पे टेम्परेचर काफी कम होता है कोल्ड प्लेसेस पे, ठीक है। कोल्ड प्लेसेस पे अगर आप ऐसा प्लांट ग्रो करना चाहते हो जिसको हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है, मतलब जहां पे गर्मी होती है ना, वो प्लांट वहीं पे उगता है, लेकिन आप कोल्ड प्लेस पे उसको आप उगाना चाहते हो, तो आपको क्या करना होगा, एक ग्लास हाउस बनाना होगा, ठीक है, और वो प्लांट मान लो ये हो गया कुछ ऐसे करके, ठीक है, मान लो ये ऐसा प्लांट है जो कि गर्मी में ही उगेगा, ठीक है,
मतलब हाईर टेम्परेचर पे उगता मान लो ये प्लांट, लेकिन आप हो कोल्ड प्लेस पे, ठंडी जगह पे, लेकिन आप इसको उगाना चाहते हो, तो आपको करना क्या होगा, एक ग्लास हाउस बनाना होगा, उसके अंदर ये प्लांट आपको उगाने होंगे, ठीक है। और देखो सन निकला हुआ है, तो अब क्या होगा, सन से सनलाइट आएगी, ठीक है, विजिबल और इंफ्रारेड दोनों है ना, विजिबल और इंफ्रारेड रेडिएशन। तो देखो इंफ्रारेड ऐसे गई, उसका यहां पे रिफ्लेक्शन हुआ, और सॉरी विजिबल विजिबल ऐसे गई, उसका यहां पे रिफ्लेक्शन हुआ, और विजिबल तो एस्केप कर जाएगी, ठीक है। अब आई इंफ्रारेड रेडिएशन, उसका यहां पे रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, पहले तो यहां से ग्लास से पास कर जाएगी, फिर यहां पे रिफ्लेक्शन होगा, कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो जाएगा, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और फिर यहां पे अगेन रिफ्लेक्शन होगा इस इंफ्रारेड रेडिएशन का, ठीक है, फिर अगेन यहां पे रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। तो देखो यहां पे ये जो इंफ्रारेड रेडिएशन है ना, ये ट्रैप होगी इस ग्लास हाउस के अंदर, इंफ्रारेड रेडिएशन ट्रैप इनसाइड दिस ग्लास हाउस, ठीक है। विजिबल लाइट आई ग्लास के अंदर, अंदर से एंटर कर गई इस ग्लास हाउस के अंदर, फिर विजिबल लाइट का यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ, और फिर विजिबल लाइट तो एस्केप कर जाती है इस ग्लास हाउस से। अब आई इंफ्रारेड, वैसे दोनों साथ साथ में आएंगी, ये समझाने के लिए बस, ग्लास के अंदर से एंटर कर गई, फिर यहाँ पे उसका रिफ्लेक्शन हुआ, फिर अगेन यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ, फिर अगेन यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा। तो कुल मिला के ये जो इंफ्रारेड रेडिएशन है ना, ये एस्केप नहीं कर पाएगी फ्रॉम दिस ग्लास हाउस। और देखो इंफ्रारेड रेडिएशन हीट को लेके चलती है अपने साथ है। इंफ्रारेड रेडिएशन फील्स सेंस ऑफ या सेंसेशन ऑफ वार्मनेस टू एस, गर्मी का एहसास कौन करवाती है, इंफ्रारेड रेडिएशन। और देखो यहां पे तो वो इंफ्रारेड रेडिएशन ट्रैप होगी ना इस ग्लास हाउस के अंदर, तो इससे आप डिजायर्ड वैल्यू तक इस ग्लास हाउस के अंदर टेम्परेचर को बढ़ा सकते हो, ठीक है, टेम्परेचर कैन बी इंक्रीज्ड अप टू डिजायर्ड वैल्यू इन दिस ग्लास हाउस। और ये जो प्लांट ग्रो किए थे, ये तभी ग्रो होंगे जब टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है, हाई टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं मान लो ये प्लांट्स, लेकिन आप कोल्ड प्लेस पे हो किसी ठंडी जगह पे, और आप इन प्लांट्स को उगाना चाहते हो, तो आपको करना क्या होगा, एक ग्लास हाउस बनाना होगा, बस उसके अंदर ये प्लांट्स उगाने होंगे, तो इंफ्रारेड रेडिएशन इसके अंदर ट्रैप हो जाएगी ग्लास हाउस के अंदर, विजिबल तो एस्केप करगी, इंफ्रारेड रेडिएशन ऐसे रिफ्लेक्ट होती रहेगी, मतलब कुल मिला के इसके अंदर ट्रैप हो जाएगी ग्लास हाउस के अंदर, और ग्लास हाउस के अंदर टेम्परेचर को आप डिजायर्ड वैल्यू तक बढ़ा सकते हो, ठीक है। और अब ये जो प्लांट्स हैं ये बिल्कुल अच्छे से उग जाएंगे इस ग्लास हाउस के अंदर, ठीक है, क्योंकि इनके ग्रो होने के लिए हाई टेम्परेचर की जरूरत थी, और वो मैंने पा लिया ग्लास हाउस बना के। इसके अंदर होता क्या, इंफ्रारेड रेडिएशन ग्लास हाउस के अंदर ट्रैप हो जाती है, वो बाहर नहीं निकलती, और इंफ्रारेड रेडिएशन सेंसेशन ऑफ वार्मनेस का फील करवाती है गर्मी का, तो वो तो इसके अंदर ट्रैप होगी, तो अब टेम्परेचर बढ़ता रहेगा इस ग्लास का हाउस के अंदर, तो डिजायर्ड वैल्यू तक आप टेम्परेचर को बढ़ा सकते हो इस ग्लास हाउस के अंदर, और ये जो प्लांट्स हैं ये बिल्कुल अच्छे से अब उग पाएंगे इवन एट कोल्ड प्लेसेस,
लेकिन इसके अंदर टेम्परेचर बढ़ गया क्योंकि इंफ्रारेड रेडिएशन एक तरह से इसके अंदर फंस गई ना, ऐसे रिफ्लेक्ट होती रहेगी, ठीक है, ट्रैप होगी, उससे इसके अंदर का टेम्परेचर बढ़ता रहेगा ग्लास हाउस के अंदर का। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।